अहम मामला आपको बताते हैं। साइफर केस में एफआईए की वकला का कहना है, जज का इजाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऑफ कोर्ट का हिस्सा नहीं। गवाह हर समात पर आते हैं मगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। मुलजमान ने कार्रवाई में ताखीर के लिए 40 मुतफरक दरखास्तें दायर की। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दरखास्तों की मनसूखी की पिटिशन दायर करेंगे। इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया, लेकिन एक बात जो है वाज़े है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को, तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तकरीबन 40 जो हैं वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरह नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो विल मूव द कैंसलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट के ऑर्डर ऑफ कोर्ट का हिस्सा नहीं। गवाह हर समात पर आते हैं मगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। मुलजमान ने कार्रवाई में ताखीर के लिए 40 मुतफरक दरखास्तें दायर की। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दरखास्तों की मनसूखी की पिटीशन दायर करेंगे। इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया, लेकिन एक बात जो है वाज़े है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को, तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तकरीबन 40 जो हैं वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरह नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो विल मूव द कैंसलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट के ऑर्डर ऑफ कोर्ट का हिस्सा नहीं। गवाह हर समात पर आते हैं मगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। मुलजमान ने कार्रवाई में ताखीर के लिए 40 मुतफरक दरखास्तें दायर की। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दरखास्तों की मनसूखी की पिटीशन दायर करेंगे। इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया, लेकिन एक बात जो है वाज़े है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को, तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तकरीबन 40 जो हैं वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरह नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो विल मूव द कैंसलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट के ऑर्डर ऑफ कोर्ट का हिस्सा नहीं। गवाह हर समात पर आते हैं मगर ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। मुलजमान ने कार्रवाई में ताखीर के लिए 40 मुतफरक दरखास्तें दायर की। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दरखास्तों की मनसूखी की पिटीशन दायर करेंगे। इजाफी नोट को भी जो है वो आज काफी लाउडली उसका डिस्कशन हुई और उसको पढ़ा गया, लेकिन एक बात जो है वाज़े है कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं बनाया उस इजाफी नोट को, तो लिहाजा जो है वो जिस तरह शाह खावर साहब ने कहा कि उसका इस केस से कोई रेलेवेंस नहीं था। तकरीबन 40 जो हैं वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरह नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो विल मूव द कैंसलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।